हम लोग फिर से उस टाइम में पहुंच गए हैं जहां पे एक फोन रिलीज खत्म होता है और दूसरे फोन के लीक्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, एंड वही चीज हो रही है आईफोन 16 के। बहुत सारे लीक्स आने स्टार्ट हो गए हैं एंड कुछ रिलायबल है, कुछ ऐसे ही निकलेंगे लास्ट में जब एप्पल फोन रिलीज करेगा। तो सबसे पहली चीज जो बहुत टाइम से र्यूमर चल रहा था आईफोन 15 से रिलेटेड, सॉलिड स्टेट बटन्स जिसमें आप लोगों को बेसिकली हैप्टिक टच का रिस्पॉन्स देखने के लिए मिलेगा, टाइप ऑफ वाइब्रेशन वो आप लोगों को जो है 16 प्रो में देखने के लिए मिलेगा सभी बटन्स में, इंक्लूडिंग वॉल्यूम बटन्स, पावर बटन। और साथ ही साथ एप्पल एक नया बटन इंट्रोड्यूस करने वाला जिसका नाम होगा कैप्चर बटन आईफोन 16 प्रो और आईफोन 16 प्रो मैक्स एंड आईफोन 16 अल्ट्रा के लिए। इस बार 3 प्रो मॉडल्स होने वाले हैं एंड 2 आप लोगों को जो है नॉन प्रो मॉडल्स देखने के लिए मिलेंगे। टोटल 5 आईफोन्स इस बार के 16 लाइनअप में रहने वाले हैं एंड इसको एप्पल बोलने वाला है कैप्चर बटन। बेसिकली जब भी आपका फोन इस पोजिशन में रहता है हॉरिजॉन्टली, तो यूजुअली बटन तक रीच आउट करना प्रो मैक्स में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, तो इसलिए यहाँ पे जो है एप्पल कैप्चर बटन इंट्रोड्यूस करने वाला है। अब देखते हैं कितना ज़्यादा ये सही होता है, कितना ज़्यादा ये लीक्स जो है गलत निकलते हैं वो बिल्कुल लास्ट में पता चलेगा, बट अभी जो है ये टू अर्ली है बात करने के लिए। लेकिन जो भी लीक्स आ रहे हैं वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और साथ ही साथ 16 प्रो में आपको फाइनली कैमरा रीडिज़ाइन देखने के लिए मिलेगा। और मैं क्यों हंस रहा हूँ, क्योंकि हर साल हम लोग यही बोलते हैं कि रीडिज़ाइन होगा, बट इस बार जो डिजाइन टीम है और जो जितने भी लीकर्स होते हैं, जितने भी कम्युनिटी में लोग होते हैं, वो एनालाइज करते हैं और सारी चीजों पे कंक्लूड करते हैं कि इससे बड़ा अगर कैमरा बम्प होता है या फिर कैमरा को इससे और बड़ा करते हैं लेंसेज को, तो जो मैक्सेफ रिंग है, जो मैक्सेफ कॉइल है अंदर, वो हिट करेगी और उससे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो आ सकती है। तो इसलिए एप्पल को जो है इस बार फाइनली कैमरा रीडिजाइन करना पड़ेगा। अब ये जो है लीक्स है, तो देखते हैं एप्पल फाइनली क्या करता है। उसके बाद iOS 18, iOS 7 के बाद सबसे बड़ा रीडिजाइन और सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर अपडेट होने वाला है। मार्क गर्मन जो पूरी एप्पल कम्युनिटी में सबसे ज्यादा रिलायबल लीकर है और जो सारी न्यूज प्रोवाइड करते हैं, उनका एक क्लेम है कि iOS 18 जो होगा वो अभी तक का एप्पल का सबसे बेस्ट रीडिजाइन अपडेट होगा। iOS 16, iOS 17 कुछ खास नहीं रहा, iOS 15 में हम लोगों को अच्छे खासी इंप्रूवमेंट्स मिली थी एंड iOS 18 से एप्पल जो है बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस एंड रीडिजाइन। iOS 17 में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आई हैं जिससे एप्पल को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, उसके बारे में हम लोग आगे चल के बात करेंगे जो कि नेक्स्ट न्यूज़ है। बट अगर मैं अभी की बात करूँ तो एप्पल का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ इस टाइम पे iOS 18 पे, ताकि परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट्स हो और साथ ही साथ एक ऐसा रीडिजाइन जो आपको iOS 7 के बाद देखने के लिए मिलेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। एंड मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट ईयर एप्पल कुछ ऐसा ही करे जिसमें फ़ोन में भी सॉफ्टवेयर में भी इम्प्रूवमेंट्स आए। और जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है वो यही है कि इस साल एप्पल का आईफोन 15 प्रो मैक्स हो गया फ्लॉप। सिर्फ रीज़न एक ही है, वो थे मेजर सॉफ्टवेयर इश्यूज एंड एप्पल ने जो इम्प्रूवमेंट्स करने की कोशिश करी टाइटेनियम फ्रेम के साथ और बाकी चीज़ें, वो इस बार कहीं ना कहीं एप्पल के लिए लॉस मेकिंग तो मैं नहीं बोलूँगा, बट टाइप ऑफ अगर मैं कॉम्पिटिशन में बोलूँ तो इस बार सैमसंग ने 100% इस कंपटीशन को जीता। आप लोगों को पता है हर साल सैमसंग और एप्पल यूजर्स जो है लड़ाई करते हैं कि सैमसंग S23 अल्ट्रा अच्छा है या फिर आईफोन 15 प्रो मैक्स अच्छा है। इस साल मैं खुद एप्पल पे कंटेंट बना रहा हूँ और मैं खुद बोलूंगा कि सैमसंग S23 अल्ट्रा आईफोन 15 प्रो मैक्स से कहीं ज़्यादा बेटर है इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, चाहे वो सॉफ्टवेयर ऑपरेशन हो, चाहे वो फ़ोन का डिज़ाइन लुक फील हो। बिकॉज बींग एन आईफोन यूजर, सैमसंग भी डिज़ाइन चेंज नहीं करता, बट एप्पल ने तो थोड़ी हद ही कर दी है, डिज़ाइन वाइज ज़्यादा चेंजेस नहीं है। एंड ऑब्वियसली एप्पल ये चीज़ करता है तो सैमसंग कॉपी करता है, जब एप्पल रीडिज़ाइन करेगा तो सैमसंग भी रीडिज़ाइन कर लेगा। तो मैं चाहता हूँ कि एप्पल वो स्टेप फॉरवर्ड ले और यहाँ पे फ़ोन को रीडिज़ाइन करे। सेकेंड चीज़, फ्लॉप बोलने का मेरा सबसे बड़ा रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक ही है, चलो फ़ोन रीडिज़ाइन होना ना होना, कलर्स अच्छे आना ना आना, वो एक बात की बात है, लेकिन अगर आप 1,60,000 रुपये का फ़ोन परचेज कर रहे हो और फ़ोन में ओवरहीटिंग जैसे इश्यूज, ग्लास जल्दी से ब्रेक होना और ऐसी चीज़ें होना, डेफिनेटली कंसिडर करते हैं कि इस बार का ये फ़ोन जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। अगर आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस ही फर्स्ट मंथ में ही इतना ख़राब रहेगा तो डेफिनेटली एज अ कस्टमर, स्पेशली इंडिया में जो 1,60,000 रुपये खर्च रहा है, वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होगा। और यही एप्पल न्यूज़ में आप लोगों को जो बताना चाहता था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय।